वह यूपी के आजमगढ़ से है, जहां देश की सेवा में डटे रहने के दौरान गंभीर बीमारी की चपेट में आने से एक फौजी की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। मृतक फौजी जगत नारायण यादव, उम्र 31 साल, पिता स्वर्गीय सूर्यभान यादव रवनापार थाना क्षेत्र के महुला गांव के रहने वाले हैं। वर्ष 2011 में इनका चयन सत्र सीमा बल में हुआ था तथा फिल वक्त वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में तैनात थे। जगत नारायण यादव गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे तो सेना द्वारा उनका इलाज कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से वह बीमार चल रहे थे तथा एक सप्ताह से उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब चल रहा था, जहां 12 मार्च की रात उनकी मौत हो गई। सोमवार को एम्बुलेंस से उनका शव पैतृक गांव महुला लाया गया। शव के दरवाजा पहुंचते ही परिजनों में माहौल गमगीन हो गया। मृतक के माता प्रतापी देवी, पत्नी रागिनी देवी व परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। शहीद फौजी के शव आने की खबर सुन आसपास के गांव के लोग भी सैकड़ों के दरवाजे पर उमड़ गई। फौजी जगत नारायण यादव की शादी 9 मई 2017 को देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हरपुर बिंदौर गांव में हुई थी। फौजी के दो संतान प्रांजल 5 वर्षीय व जाह्नवी 3 वर्षीय हैं। उनकी पत्नी रागिनी देवी पति के मौत के बाद ही बेसुध हो गई हैं। घटना की खबर मिलते ही ससुराल में मातमी सन्नाटा फैल गया। ऐसे वीर शहीदों को RB9 न्यूज़ की टीम की तरफ से सत सत नमन है।